भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डीसी शुपियन हाय हाय, डीसी शुपियन हाय हाय, डीसी शुपियन हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, डीसी शुपियन हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बेगुनाहों को मारना बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों को मारना बंद करो, बंद करो। कि आपको पता है कल दहशत गर्दों की कायरता की वजह से भारतीय जनता पार्टी का एक होनहार लीडर, एक वोकल वॉइस शुपियन में जिसने अपनी जान दे दी और वो शहीद हो गया है। दहशत गर्द नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति हो, और कश्मीर के लोगों ने जिस तरह बुलेट को छोड़ के बजट पे जो यकीन जताया है, और बड़ी तादाद में यहां जो वोट टर्नआउट हुआ है उसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के कायर दहशत गर्दों को फरसे चढ़ाई हुई है। इसलिए कल उन्होंने दो आतंकी हमले किए, एक टूरिस्टों पे, उस टूरिज्म से कश्मीर की इकॉनमी चलती है, कश्मीर की बैकबोन है टूरिज्म। टूरिस्ट पे अटैक करना इसका मतलब है कश्मीरी के पेट पे, कश्मीरी के रोटी पे, कश्मीरी के रोजी पे अटैक करना, और ये वाज़े करता है कश्मीर का सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के कायर आतंकवादी है। और मैं डीसी शुपियन को एक बार निर्देश देना चाहता हूं, आपकी अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज, आपका अनपार्लियामेंट्री अप्रोच, और जिसका आउटपुट ये हुआ कि शहीद एजाज साहब को अपनी जानों का नजराना देना पड़े, आ रहे हैं परसों भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर का पूरा कैडर आपसे इस कत्ल का हिसाब और जवाब मांगने।